बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नौमी भाई आपकी खिदमत में हाजिर। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप के ऊपर, जो एक ह्यूज किस्म का अपसेट हुआ। सऊदी अरब ने जब अर्जेंटीना को हराया, ये वो अपसेट था जिसके ऊपर हर बंदे ने अपने अपने कमेंट्स दिए। हम भी इसके सिलसिले में रिव्यू आपकी खिदमत में पेश करते हुए, ये आपको वो लम्हात हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को हराया। तो ये जब जवान इस तरीके से, जिस तरीके से जनाब अलामा साहब ने ये कहा था, उनकी रूह बेदार होती है जब जवानों में ढूंढते हैं वो अपने मंजिल आसमान में। तो ये वही लम्हात हैं जब सऊदी अरब नीचे जनाब ग्राउंड में उतर रहा है बहादुरी के साथ, आपने मुसम्मम इरादों के साथ कि आज हमने फाइट करनी है अर्जेंटीना के साथ। और ये कोई आम सी टीम नहीं है, ये वर्ल्ड चैम्पियन रह चुकी और अनबीटन टीम जो है वो एक तरफ से आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया ने जब ये ठान ली कि हमने ये कर दिखाना है, तो फिर ये लम्हा जो हम आपको दिखा रहे हैं कर दिखाया। 2-1 से जो है शिकस्त पास चलते दी, तो वर्ल्ड में रोले पड़ गए। और यही वो अर्जेंटीना के खिलाड़ी जो किसी को खातर में नहीं लाते थे, 2-1 से जब इनको शिकस्त हो गई, तो फिर दूसरी तरफ ये सऊदीया के खिलाड़ी खुशियां मनाते हुए कि आखिरकार हमने अपना लोहा मनवा ही लिया। और जब बेदार होती है जवानों में, तो तब वो ढूंढते हैं अपनी मंजिल आसमान में। शायद आज के दिन के लिए ही अलामा साहब ने इनके लिए ये बात कही थी। तो ये वो लम्हात है जब 2-1 से सऊदी अरब जो है अर्जेंटीना को शिकस्त फाश दे चुका अनबीटन टीम को। तो फिर ये लम्हात तो अर्जेंटीना के लिए भी बनते हैं ना। तो हम जनाब मुबारकबाद पेश करते हैं फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाइड करने के मौके पर सऊदी अरब की जो कमेंट्री थी, अल्लाह। तो ये सारे लम्हात जो हैं वो भूल जाने के काबिल नहीं।